हिमाचल के जिला सोलन के निकटवर्ती गांव राहों का सदानंद शर्मा एक छोटा सा किसान है जो सवा बीघा भाव 1000 गज के रकबे पर खेती कर रहे हैं। जीवन के 7वें दशक में चल रहे सदानंद जी इस छोटे से भूभाग पर जितनी फल और सब्जियां उगा रहे हैं उनकी सूची बहुत लंबी है। उनका वित्ताभर खेत एक नर्सरी का एहसास कराता है। आमदन होती है 8 लाख रुपए के लगभग सालाना। खासियत यह है कि सारे कार्य में उनकी पत्नी भागवंती की बहुत बड़ी भागीदारी है। खेत के चप्पे चप्पे पर भागवंती की छाया ही दिखाई पड़ती है जो कि हमेशा ही हाथ में कोई ना कोई औजार थामे रहती है। कैसे होती है इतनी आमदन जो हर किसी को हैरत में डाल रही है? बताते हैं कि उनके पास अपनी 8 बीघा पुश्तैनी जमीन है। इसमें से लगभग 7 बीघा जमीन को इनका पुत्र जोतता है, वो भी बढ़िया खेती कर रहा है, लेकिन उसकी आमदन सदानंद जी द्वारा जोती जा रही 1.25 बीघा जमीन से कहीं कम होती है। हमने पूछा कि बेटे की आमदन कम क्यों, तो कहते हैं कि वो हमारी तरह सारा दिन खेत में काम नहीं करता है। उसने शास्त्री की उपाधि हासिल कर रखी है, इसलिए लोग उसे धर्म कर्म के कार्य हेतु भी बुलाते रहते हैं। तो देखते हैं कि सदानंद जी के छोटे से खेत में ऐसा क्या उगाया जा रहा है जो लाखों रुपए की आमदन हो रही है। बताते हैं कि वो मुख्य रूप से गोभी का बीज तैयार करके बेचते हैं। इसके अतिरिक्त टमाटर, मटर, शिमला मिर्च और मिर्च भी उगाते हैं। समतल जमीन पर पैदा होने वाली इन फसलों के अतिरिक्त 17 किस्म के फल उन्हें सेवा का मीठा मेवा देखे जाते हैं। फलों में मुख्य फल है कीवी, जिससे सबसे अधिक आमदन होती है। आमदन का दूसरा स्रोत है गोभी का बीज और तीसरा स्रोत है टमाटर की खेती। लेखा जोखा इस प्रकार है आमदन का। 1.25 बीघा खेत में 5 फुट ऊंचे डंडों पर तार बांधकर कीवी लगाया गया है। इस बार इनके खेत में 17.5 क्विंटल कीवी की पैदावार हुई जो कि औसतन 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1,75,000 रुपये की आमदन देखे गया है। इसी तरह खेत में गोभी का बीज 80 किलो निकाला जिसका दाम 1,60,000 रुपये मिला है। तीसरा टमाटर जो 100 क्विंटल के लगभग रहा, मंडी में बिकता है 10 रुपये से 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब मटर शिमला मिर्च से होने वाली आमदन को मिलाकर देखें तो 2 लाख रुपए के लगभग ही आ रहती है। सदानंद जी ने 4 दुधारू पशु पाल रखे हैं। इनसे जो दूध मिलता है उससे 5 किलो के लगभग पनीर रोजाना बनाते हैं जो कि 240 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आराम से बेच देते हैं। अगर दूध बेचते तो कई दरवाजों पर जाना पड़ता, अब पनीर एक ही जगह पर बिक जाता है। इस तरह साल भर में 2-2.5 लाख रुपए का पनीर बेच देते हैं। सरकार से उपदान भाव सब्सिडी ट्रैक्टर पर मिली है, गोबर गैस प्लांट पर मिली है। इनके खेती उत्पाद को पूरी तरह से जैविक कहा जा सकता है क्योंकि इसमें किसी तरह के रसायन या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये है एक बुजुर्ग किसान सदानंद जी की कहानी। मेरा नाम सदानंद शर्मा है। अच्छा, पुश्तैनी खेती? हाँ जी। कितने लगे हैं जी? कितना रकबा है? ये रकबा है जी 1.25 बीघा। तो टोटल कैसे कितनी है ऐसे जमीन? टोटल जमीन तो कोई 7-8 बीघा है। 7-8 बीघा है। हाँ जी। तो क्या क्या बोते हैं उसमें? टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी का बीज और बैंगन, घिया और बाकी फ्रूट्स वगैरह भी है, कीवी वगैरह, कीवी है, आड़ू है, प्लम है, सेब है। तो ऐसे बहुत कुछ हो गया। हाँ जी। तो कोई चीज छोड़ते भी हैं? बस जो आगे निकल जाए वो। अच्छा, एक बात, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? सबसे ज़्यादा हमारे सबसे ज़्यादा तो ऐसे टमाटर शिमला मिर्च का होता है। तो कैसा रहा इस बार पिछली बार टमाटर? पिछली बार तो खैर रेट की वजह से थोड़ा डाउन रहा, पर चलो फिर भी। कितना मिला इस साल? मिल गया था टमाटर कोई 3 लाख का। 3 लाख का? तो कितना हुआ था? है कितना रकबा हुआ था? रकबा लगाया था कुछ 3 की बीघा था, 3-4 बीघा। 3 बीघा था। तो उसका जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च हो गई थी कोई 80-90 हज़ार की। तो वो कितना सारा हुआ? वो था कुछ 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में था तो बड़ा बढ़िया रहा वो। अच्छा, कीवी का कैसे रहता है आपके पास? कीवी का मेरा अच्छा रहता है सर, पिछले साल कुछ 17 क्विंटल माल निकल गया था। तो क्या इस साल? इस साल थोड़ा कम है, 150 रुपये किलो, 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से, साइज के हिसाब से। तो ग्रेडिंग के हिसाब से ए बी सी ग्रेड तो अच्छा
मैक्सिमम मैंने 100 रुपए से ऊपर ही दिया है, थोड़ा बहुत जो बहुत डाउन में था छोटा था वो 80 रुपए भी बेचा है, वो कुंटल 1.5 कुंटल माल ऐसा भी बेचा होगा जो 80 रुपए बेचा है। बढ़िया रहा। हाँ जी अच्छा रहा। अच्छा तो उसके बाद में जैसे मटर भी लगा लेते हैं, मिर्च भी लगाई हुई है। बस ये शॉर्ट में दवाई खाद का खर्चा निकल जाता है, और इस प्लॉट में तो मेरे टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग चलती है, क्योंकि इसमें मैं खाद वगैरह नहीं डालता, इसमें ऑर्गेनिक और मिक्स फार्मिंग ही चलती है इस प्लॉट पर। अच्छा सर ना ये एक हमें बात बता, आपने जो ये टीवी की जो छत रखी है ना, हाँ ये बहुत नीची रखी हुई है। कौन सी वाला? ये जो तारे जो बांध रखी हैं ये तो, सर ऐसा है ना जी, अब जिसमें पॉलिनेशन करने पहुँचना पड़ता तो ऊपर पहुँचना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत ऊँचा कर लेंगे ना जी आप। तो डाल को काट देते हैं आप? नहीं हाँ ये तो करना ही पड़ता है जी, ऊपर से कटिंग तो हर साल करनी पड़ती है, हर साल सर्दी में कटिंग करनी पड़ती है। आजकल भी कटिंग कर रहा हूँ, आजकल भी जो ऊपर की लंबी टहनी है वो काट रहा हूँ, अब ये भी पॉलिनेशन करके खत्म हुआ, अब टहनियाँ काटनी शुरू कर दी पीछे से। अच्छा हाँ जी, ये जो ऊंची टहनी है ना जी, हाँ। ये सब कट जाएगी, ये सब अगली बारी आपको कटी हुई मिलेगी। अच्छा तो ये मार्केटिंग फिर जो है कहाँ होती है इसकी ज़्यादा? मार्केटिंग मेरी तो घर से ही हो जाती है तकरीबन, घर से ही निकल जाता है। कौन कौन हाथ बटाता है काम में? काम में इस प्लॉट में तो मैं और मिसेज दो ही। आप और मिसेज दो ही लोग? बस दो जाने का ये। तो ये 7 बीघे में कितनी आमदन? नहीं 7 बीघे में तो खैर बच्चे करते हैं उधर तो, पर ये बीघा 100 बीघा जो है ये आपके दो, ये हम दो जने ही करते हैं। अच्छा तो दोनों के नाम है ये, तो इसमें बाकी इसमें सवा बीघे में बाकी बेटा कर रहा है। सवा बीघे में तो आप कितना का कमा लेते हैं? 100 बीघे में पिछले साल निकल गया था कोई 1.5-2 लाख का कीवी निकल गया था, और कोई 72,000 का टमाटर शिमला मिर्च वगैरह निकल गया। अच्छा तो और बाकी सब्जियां मटर वगैरह? बाकी सब्जियां वगैरह तो वैसे खाद इसका दवाई दुई का ये पड़ता है। अच्छा आपने वो जो उसके वो प्लांट्स भी लगा रखे हैं सामने उसके सामने पर भी, मतलब ये नर्सरी? नर्सरी हाँ जी, नर्सरी तो डाली। क्या रेट जाते हैं फिर ये पौधे? ये 60 रुपये पौधा पिछले साल रेट था। अच्छा हाँ जी पिछले साल। हाँ जी तो बेचते रहते हैं? बेच भी देते हैं, जो सरप्लस होते हैं वो बेच देते हैं, बाकी कुछ अपने भी लगा लेते हैं। ये अपने सेब की भी ग्राफ्टिंग कर रखी है? सेब की ग्राफ्टिंग कर रखी है जी थोड़ी। तो कितने पौधे करीब सेब के भी लगे हुए हैं? ये तो सेब के पौधे हैं मेरे पास, कोई 50 की पौधा होगा, छोटा अभी छोटा लगा है। होएगा सेब? हाँ हो रहा है, देखो आपने देखा ये फोटो है। अच्छा सामने आपके सामने ही है। तो जो गोभी की फिर आप बॉय करते हैं? गोभी का सीड तैयार करते हैं। कैसा रहता है? ठीक रहता है, ऊपर बजरी बुजरी ना पड़े, बाकी तो भगवान के ऊपर है। बरमई करवाते हैं? हाँ जी वहाँ बढ़िया देते हैं। हाँ ठीक है। तो कितना निकला था करीब 1 वीघे में? पिछले साल तो बजरी पड़ गई थी, पर पिछले साल फिर भी 70-80 किलो निकल गया था। अच्छा 70-80 किलो निकल गया था, फिर भी लाख डेढ़ लाख रुपये। हाँ जी। आपने सहायक धंधे के तौर पर और क्या क्या रखा है? डेयरी फार्मिंग। डेयरी? कितने पशु हैं? मेरे पास इसमें 4 पशु है। तो कितना दूध हो जाता है? मेरे पास इस वक्त कोई 35-36 किलो दूध है, दो गवें सूई हुई है, बाकी 2 बछड़ियाँ हैं। फिर तो कितना? एक सवा साल की है, 6-7 महीने की है। कौन सी नस्ल की है? मेरे पास जर्सी। अच्छा तो बछड़ी साहिवाल में भी एक। अच्छा तो क्या रेट जाता है दूध फिर? मैं दूध नहीं बेचता, मैं पनीर ही बेचता हूँ सर। पनीर बेचते हैं? क्या रेट जाता है पनीर? 240 रुपये। 240 रुपये? हाँ जी। तो यही घर पर बिक जाता है शहर में? घर से बिक जाता है, बाकी शहर में बिक जाता है। कितना हो जाता है रोजाना? रोजाना कोई 5-6 किलो 6 किलो पनीर निकल जाता है, अपने घर का खर्चा निकाल के। फिर छाछ वगैरह मिल जाती है? छाछ वगैरह मिल जाती है, दूध मिल जाता है, दही मिल जाता है, घी मिल जाता है अपने घर का। हाँ अच्छा तो खेतों में जो जैसे आप सब्जी वगैरह करते हैं तो ऑर्गेनिक रहता है जहाँ? ये जो मेरा कीवी वाला पराठा इसमें टोटली ऑर्गेनिक है सर। अच्छा। इसमें मैं कोई खाद नहीं डालता, दवाई भी ऑर्गेनिक स्प्रे कर रहा हूँ इसमें, और जो नीचे वाला प्लाट है वहाँ पर केमिकल चल रहा है। तो एक बात तो ये इतना अच्छा काम करने के बदले सरकार कभी याद करती है आपको? सरकार देती रहती है, जैसे ये जाली दे दी, बीच में कुछ ना कुछ देती रहती है, टैंक को देती रहती है। हाँ, पर क्या नाम कैचुआ पिट बनाया हुआ है गैस के लिए, गोबर गैस प्लांट पर लगाया हुआ है। अच्छा। तो ऐसे बीच चलता है। चलता है बीच में, ट्रैक्टर सब्सिडी पर लिया तो हुआ फिर है। आपके बेटे जो है कितने? बेटा एक है। वो कितने कितने जगह देखता है फिर? वो 5-6 बीघा जो है वो वही देखता है। तो उसकी शिक्षा दीक्षा? उसकी शिक्षा दीक्षा साथ साथ ही चलती रहती है। अच्छा की बेटा है? हाँ जी। बेटियाँ? बेटियाँ 3 है सर। तो विदा हो चुकी? तीनों की विदा हो चुकी, शादियाँ कर दी। तो बेटा संभालता है बाकी? बेटा संभालता है। कैसा रहता है उसका हिसाब? तो अच्छा रहता है, बढ़िया कमाता है। हाँ जी। आपके बराबर? साथ में शास्त्री की हुई है। अच्छा। शास्त्री की हुई है। अच्छा अच्छा। और काम भी कर लेता है अपना। आपके बराबर कमा लेता वो खेतों? हाँ जी मेरे बराबर कमा लेता है, क्यों नहीं कमाएगा, मेरे से ज्यादा खेत है उसके। उसके नाम ज्यादा छोड़ रखे हैं। अब हमारा तो टाइम नहीं है ना जी,